नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल श्रावती टुडे न्यूज में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बनी घंटी को ज़रूर दबा दें, ताकि हर छोटी बड़ी खबरें आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे सबसे पहले। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर जनपद श्रावस्ती से, जहां पर पॉक्सो एक्ट में वांछित आरोपी गिरफ्तार। आपको बताते चले कि श्रावस्ती जनपद में पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मोरिया की ओर से जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत एकौना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एकौना प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार तिवारी शनिवार को टीम के साथ क्षेत्र में वांछितों की धर पकड़ को निकले थे। इस दौरान पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर पॉक्सो एक्ट से संबंधित वांछित आरोपी प्रमोद कुमार पासवान पुत्र अलगई निवासी ग्राम महादेवा जगदीश थाना एकौना को ग्राम परसौरा माफी के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को थाने ले जाकर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी टीम में प्रभारी निरीक्षक के साथ उप निरीक्षक पंकज कुमार गुप्ता व आरक्षी हिमांशु सिंह आज लोग मौजूद रहे। वही दूसरी खबर है श्रावस्ती जनपद से, जहां पर 40 लीटर कच्ची शराब के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार। आपको बताते चले कि पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्या की ओर से जिले में अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत शनिवार को अलग अलग स्थानों से पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी आरोपियों के कब्जे से 40 लीटर कच्ची शराब बरामद किया गया। गिलौला थाना अध्यक्ष टीम के साथ क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। इस दौरान पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर जानकी नगर चौराहे के पास से दो व्यक्तियों के कब्जे से 20-20 लीटर समेत कुल 40 लीटर कच्ची शराब बरामद किया। बरामद शराब को जब्त कर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान राम खिलावन पुत्र नन्हे निवासी सेमगढ़ा थाना एकौना व संजय पुत्र तिलकराम निवासी जानकी नगर खुर्द थाना गिलौला के रूप में हुई। दोनों आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम में मामला पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारी टीम में थाना अध्यक्ष विष्णुदेव पांडे के साथ उप निरीक्षक कुलदीप राय, मुख्य आरक्षी अशोक कुमार शुक्ला, रमेश चंद्र गुप्ता व महिला आरक्षी रेखा गौतम आदि लोग मौजूद रहे।